हेलो दोस्तों, दिस इज एजाज इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे पास इंस्टाग्राम पर भी डीएम्स बहुत सारे लोग कर रहे थे और उसके साथ साथ मेरे जो वीडियोस है उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि सर एमएस टकाटक पर हाई क्वालिटी वीडियोस किस तरीके से अपलोड करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप वीडियो तो शूट करते हैं पर डायरेक्टली आपको एमएस टकाटक के कैमरे से शूट नहीं करना है, आपको नॉर्मल अपने जो कैमरा है उसी से शूट करना है। उसके बाद आपको एक ऐप्स की जरूरत पड़ेगी जिससे आप हाई क्वालिटी वीडियोस वहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्टली अपलोड करते हैं। तो कुछ नहीं करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और अगर हमारे चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। अब मैं इंट्रो देने से अच्छा डायरेक्टली मैं आपको मोबाइल इस पर लेकर चलता हूँ और इससे कर देता हूँ डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट। ये देखिए स्टार्ट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम कम कर देता हूँ। यहाँ से प्ले स्टोर पर जाकर जरूर चेक कर लेना कि भाई एमएस टकाटक का कोई नया अपडेट्स तो नहीं आया है। देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया हो, यहाँ पर मुझे कोई भी नया अपडेट्स दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ। एक चीज़ आप समझ के चलिए, आपके वीडियोस ये देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक वीडियोस है या ये वीडियोस है जो भी नेल पेंट का है, आपके वीडियोस फॉरवर्ड पे तब जाते हैं जब हाई क्वालिटी वीडियोस आपके रहते हैं। और हाई क्वालिटी कब बनाते हैं, जब आप याले कैमरे से शूट नहीं करते। देखिए ये कैमरे से बहुत बार रहता है कि भाई आप इससे ब्यूटी लगा सकते हैं या कोई रिमिक्स टाइमर ये वो लेके लगा सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई इससे कभी भी आपको वीडियो शूट नहीं करना है, क्योंकि फॉरवर्ड पे आपके वीडियो जाएंगे, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, आपके इसमें व्यूज आएंगे, वो तभी रिकमेंड करते हैं एमएस टकाटक जब आपकी वीडियो क्वालिटी काफ़ी हाई हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहां से क्या कर सकते हैं, एल्बम में क्लिक करके वहां से आप अपने वीडियोस को ले सकते हैं। पर उससे पहले आपको जाना है यहां पर प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर में आने के बाद यहां पर आपको सिर्फ एक टाइप करना है VN, ठीक है। ये आपके सामने दिखा देगा VN वीडियो एडिटर मेक वी व्लॉग नाउ, ठीक है। यहां पर आप क्या करना है, डायरेक्टली इसे इंस्टॉल कर लेना, ज़्यादा नहीं 5-10 सेकंड लगेंगे आपका। उसे कर देता हूं मैं डायरेक्टली यहां से ओपन। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको सेटिंग करना है, क्योंकि जितने भी आपकी वीडियोस होना चाहिए वो 1080 होना चाहिए, 2K 4K भी ले सकते हैं, पर आपके जो मोबाइल है उसके हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब प्लस बटन पे जाना है, आपको न्यू प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है वहाँ पर जाना है और जो भी आपने वीडियोस बनाया है, ठीक है, वहाँ से शूट किया है कोई कैमरे से शूट किया उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद आप ये इसे इंपोर्ट कर लेना, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए आपके इसमें टेम्पलेट फिल्टर स्पीड, यहाँ पर इफेक्ट भी लगा सकते हैं, FX वॉल्यूम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो करना है वो करना है। पर यहाँ पर जैसे आप सब कुछ कर लेंगे, जैसे कि मैं इसको प्ले करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये वीडियोस मैंने यहाँ से एडिटिंग किया हो, एडिट करने के बाद ये मैंने बजाया, उसके बाद ये स्लिप, फिर आगे चल के ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो जो भी चीज़ मैंने आपको बनाया है फिर मैंने एडिट करने के बाद इसके कर दिया एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देख चेक कर लेना, कुछ चीज़ आपको डिलीट करनी है वो डिलीट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे जाना है, एक्सपोर्ट ओरिजिनल, यहाँ पर देखिए बहुत सारे जन के इसमें क्या रहेगा 50, आपको 720, उसके बाद 1080 भी आपको फुल कर देना है। FPS 30 रखना है, 60 नहीं रखना है, सिर्फ 30 ही रखना है, ठीक है। और बिट रेट आपको डिफ़ॉल्ट है इसे कर देना हाई, ठीक है। बिट रेट हाई रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा आपका वीडियो ऑसम दिखेगा। अब उसके बाद सेव एंड डोंट डिमेंड यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद ये कर देना, ये एक्सपोर्टिंग आपका होने लग जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं लगेगा, ये भी 5-10 सेकंड लगेगा, उसके बाद ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अपलोड करने है और उसमें कुछ हैशटैग भी लगा देना है, जो हैशटैग बहुत ज़्यादा चल रहा है उसमें FYP और फॉर यू पेज तो लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, 100% हो गया। उसके बाद सेव टू एल्बम कर देना, ये सेव टू एल्बम, यस ओके। ये हमारा क्या हो गया, सेव हो गया। आपको वापस आना है एमएस टकाटक पर, यहाँ पर आपको जाना है प्लस बटन पे, प्लस बटन एल्बम दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है एल्बम पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है अपना वीडियो ले लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये वीडियोस दिखाई दे रहा है आपका, तो मैंने क्या किया, वो वीडियोस पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दिया हूँ और डायरेक्टली ये होगा हमारा वीडियोस हमारे पास आ जाएगा, ओके। ये देखिए क्रिएटिंग हो रहा है ये, उसके बाद ये हमारा देखो वीडियो हाई क्वालिटी, बिट रेट भी काफ़ी ऑसम हो गया, ये देखिए। उसके बाद नेक्स्ट करना है, फिर उसके बाद डायरेक्टली क्या करना है, इसे आपको एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको, ये हो गया नेक्स्ट प्रोसेसिंग। जितना ज़्यादा हाई क्वालिटी का वीडियोस रहेगा उतना ज़्यादा रिकमेंड होगा फॉर यू पे, और थोड़ा सा प्रोसेसिंग भी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हाई क्वालिटी डाल रहा है ना, और डायरेक्टली लो क्वालिटी डालते आपके इसलिए फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ पाते। नेक्स्ट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, ओके। ये देखिए 90-100% हमारे ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर डालना है आपको कवर फोटो सिलेक्ट करना है, जो कवर फोटो आपको ठीक लगती है, ठीक है। ये मैंने ले लिया यहाँ से ये कवर फोटो, इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके साथ साथ क्या करना है आपको, ट्रेंडिंग और FYP और उसके साथ साथ फॉर यू पेज ये लगा देना है। उसके बाद डायरेक्टली क्या कर देना है, इसे एक्सपोर्ट कर देना है। आपके वीडियोस बहुत ही ज़्यादा ऑसम चलने लगेंगे, हर कोई पसंद करेगा उसको, ठीक है। तो इसे कर देते हैं यहाँ से बंद। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर होते फ्रेंड्स, सब्सक्राइब चैनल ऐसा सुनिए, ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।